हमारा चैनल, मैं हूँ ईशा और मैं मयंक। ये हमारे फिली का लास्ट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग वापस जा रहे हैं न्यू जर्सी, तो हमने सोचा कि आज कुछ यहाँ की ट्रेडिशनल और मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कवर किया जाए। हाँ, इसमें से जब हम आए हैं आज कहाँ पे आए हैं? लिबर्टी बेल, ये बहुत फेमस जगह है यहाँ का। और लिबर्टी बेल एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे है, मतलब यूएस में है, यूके में है और भी कई कई जगहों पे है। यहाँ का थोड़ा फेमस है क्योंकि ये बेल जो है बहुत ही पुराना है और ये आया था लंदन से। ऐसी इसकी हिस्ट्री है कि लंदन से आते आते ये जब यहाँ पे इसको टांगा गया था तो ये टूट गया था। फिर दो लोगों ने इसको ज्वाइंट किया था और उनके नाम है उस बेल पे। तो अगर मुझे दिखा तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो चलो देखते हैं क्या है लिबर्टी बेल। ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है जाने के लिए और हमारी ट्रेन भी है शाम को, लेकिन जिस हिसाब से ये लाइन लगी है पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था ऐसा कि एक ओपन एरिया में होगा जैसा ये पार्क दिख रहा है आपको वैसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चल के देखते हैं हमारा क्या होता है अभी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो पहला ओरिजिनल लिबर्टी बेल था वो अनाउंस किया गया था जब डेमोक्रेसी शुरू हुई थी। और वुमेन्स लिबर्टी बेल वो तब अनाउंस किया गया था जब वो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी। यहाँ देख सकते हो आप, ये है वुमेन्स लिबर्टी बेल का एक जो 1776 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, और 1915 में इक्वालिटी पे इसको फिनिश किया गया था। लिबर्टी बेल का बेसिक पर्पस है इक्वालिटी टू ऑल। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी क्राइड, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी कलर के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, यू आर ऑल इन द आईज ऑफ लॉ। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी बेल। और अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला भी इनका थॉट यही था, इट्स अ सिग्निफिकेंट सिंबल फॉर द एंटायर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और ये देख सकते हो आप, दलाई लामा भी आए हुए थे यहाँ पे। एंड दिस इज द क्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये आपको बेल में शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगा, मैं आपको जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे आ गए हम लोग लिबर्टी बेल के पास और ये एक नॉर्मल सा बेल है लेकिन बहुत हैवी बेल होता है ये। अराउंड 1000 kg का ये बेल है और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये लाते टाइम टूट गया था और फर्स्ट टाइम जब हैंग किया गया था तो ये टूट गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो दो लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश की थी उनका नाम इस बेल पे लिखा हुआ है। और वहाँ यहाँ पे एक बाइबल का एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। ये है जो नाम लिखा हुआ है इनका और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है जो कि बाइबल से लिया हुआ है। सो दिस इज लिबर्टी बेल। जो क्रैक हुआ था वो भी आप देख सकते हो कैसा क्रैक था ये। लिबर्टी बेल के पार्क में आई थिंक पता नहीं शायद मूवी शूट हो रही है या कोई तो डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है या कोई स्मॉल बजट की कोई मूवी होगी, कुछ तो भी है
जो शूट हो रहा है ये मैं पीछे आपको दिखाती हूँ, ये देखो बड़े बड़े कैमरे और कुछ लोग हैं, कौन से लोग हैं मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो शूट हो रहा है। अभी लिबर्टी बेल करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिटी हॉल में आ गए हैं, फिलाडेल्फिया का सिटी हॉल विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी हॉल इन द US, और ये एक्चुअली फिलाडेल्फिया का सेंटर है यहाँ पे, एंड इट्स नोन फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यहाँ की जो भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, उस चीज़ों के लिए ये सिटी हॉल जाना जाता है। मैं अभी सिटी हॉल के बीच में खड़ी हूँ और आप ये मेरे ऊपर देख सकते हो पूरी बिल्डिंग। ये एक्चुअली सिटी हॉल हमारे होटल के विंडो से भी बहुत प्यारा दिखता था, बहुत सुंदर है। आप जो सबसे ऊपर एक ब्लैक स्टैचू देख रहे हो, ये विलियम पेन की स्टैचू है जो कि 3500 फीट लंबी है और ये बहुत हेवी है। ये यहाँ अगर आप देखोगे तो इस सिटी हॉल का कलर भी दो तरीके का कलर दिखेगा आपको, क्योंकि ये मैच नहीं कर पाए थे इसलिए ये सिटी हॉल में दो कलर्स दिखेंगे आपके आपको वॉल्स के, एंड इट्स अमेजिंग। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है और ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है ये। एक टाइम पे ये सिटी हॉल दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसको कवर कर लिया गया, बहुत सारी दूसरी बिल्डिंग्स हैं जो इससे ज़्यादा लंबी हो गई, और इसके जस्ट सामने आप देख रहे हो स्टेशन बना है, लेकिन ये ग्लास का बना हुआ है और बहुत अमेजिंग है जैसा कि आप देख रहे हो। अच्छा लग रहा है ये देख करके, इसके आर्किटेक्चर्स इतने अच्छे हैं, बहुत ही सही तरीके से बनाया हुआ है, और मुझे अभी पता चला है कि आप सिटी हॉल के अंदर भी जा सकते हो, ऊपर सबसे टॉप पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, लेकिन शादी कराने के लिए पहले से आपको रजिस्टर या कुछ तो करना पड़ेगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस सिटी हॉल, और क्योंकि अब हम लेट हो रहे हैं और हमें अब स्टेशन की तरफ भी जाना है, सो लेट्स हेड आउट टू स्टेशन, सामान उठाते हैं और चलते हैं फिर। हेलो, फाइनली मैं घर आ गई हूँ, अभी बहुत लेट हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग अभी पहुँचे ही है थोड़ी देर पहले। थकान का लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग सुबह से बस इधर उधर भटक ही रहे हैं, होटल भी हमने बहुत जल्दी चेकआउट कर दिया था और उसके बाद शूट करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला और ट्रेन का टाइम भी हो गया, फटाफट हम लोग वहाँ से भागे और ट्रेन ऑलमोस्ट छूटने वाली थी लेकिन एज यूजल बच गया, तो हमने ट्रेन्स ली। उसके बाद बिल्कुल शूट करने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने सोचा अब घर जाकर कि जो होगा सो होगा। अभी फ़िलहाल मैं घर आ गई हूँ। फिलाडेल्फिया एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा एक शहर है, मुझे तो अच्छा लगा, घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी एक चेंज के लिए बहुत सही है, आप जा सकते हो, आप घूम सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ की बहुत अच्छी है, बस ये है कि आप लेट नाइट ज़्यादा नहीं घूम सकते, इट्स नॉट सेफ देयर, तो अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन, और मज़ा आया। ये दो तीन दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला, और अभी फ़िलहाल हम लोग घर आ गए। अगर आपको हमारा ये फिलाडेल्फिया का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, तो वीडियोस में बने रहना, चैनल देखते रहना और बेल आइकन अपने हमेशा ऑन रखना सो दैट कि हमारे कोई भी वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए, और मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय।